तो चलिए देखते हैं कि कौन से कौन से आर्टिकल्स है यहाँ पर देखिए कोर सेक्टर्स कौन से कौन से होते हैं कोर्स सेक्टर्स के इनफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस को कार्टर करने के लिए उसे समझने के लिए उसे एसेस करने के लिए कौन से कौन से इंडेक्सेस हैं उन इंडेक्सेस के क्या क्या हैं कैसे उन इंडेक्सेस को हम यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं ऑल डिस्कसिंग इन 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 फर्स्ट आर्टिकल आर्टिकल द द इज ऑफ पेंडिंग केसेस इंडियन जुडिशियरी सो यहां पर देखिए कि जो इंडियन जुडिशियरी आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोकल कोर्ट में जो केसेस जो कि बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं जो कि पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो क्यों हो रहे हैं व्हाट आर दिक्टिम्स

उससे पहले ये समझे की ईवीएम क्या होते हैं क्यों पड़ीएम यूज किएस है क्या क्या स्ट्रेंग हैं और आरवीएम आने के बाद क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैंजिकल स्पीय इन आवर थर्ड आर्टिकल एंड एज यूजल फोर्थ वन इज इन दो लेट दस्ट इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ कोर सेक्टर इंडिया so, में ऑल टूगेदर आठ कोर सेक्टर्स हैं जिसके परफॉर्मेंस जिसके ग्रोथ या जिसके नुआस को समझ के हम इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं और उस कोर सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे इंडेक्सेस हैं वन ऑफ दम इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसका जिक्र आज के आर्टिकल में है सो लेट स्टार्ट विदिक्स इल्फ सो विच आर दिस एट कोर इंडस्ट्रीज सो दिस इंडस्ट्रीज आर द कोल इंडस्ट्री

ज in को, in in को, we'll in को समझने के लिए उसे असेस करने के लिए क्वानिटी डील करने के लिए हमारे पास दो इंडेक्सेस है दी आईसीआई एंड आई आई पी नाव आई आई पी का जिक्र आज के आर्टिकल में है दैट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो वेटेज होता है इन टू गो दिस इंडेक्स वेर इज फॉर एक्साम्पल इसमें बात करें जो रिफाइनरीजन टू दी कोर इंडस्ट्रीज या नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज दैट इज विध रेस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस और दी कोरिलेश दिस इंडस्ट्रीज है इकोनॉमी अब बात करते हैं इन इंडेक्सेस के बेसिक नुआंसेज के बारे में

जो कि इंडियन इकोनॉमी को शोकेस करेगा या इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगा उसका एडवांस इंडिकेशन इज समथिंग दैट यू गेट आउट ऑफ आईसीआई बट अगर आईआईपी की बात करें सो आईआईपी इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन द नेचर इन कंपैरिजन टू आईसीआई क्यों क्योंकि आईआईपी में आर्ट कोर इंडस्ट्रीज के साथ साथ अब बाकी और नुएंसेस को भी कैलकुलेट करते हैं जो एट कोर इंडस्ट्रीज हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ऑनली फोर्टी परसेंट ऑफ दी के अंदर है दैट मीन आर्ट कोर इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस के साथ साथ दूसरे नुएंसेस को भी वो इंक्लूड करते हैं देन ओनली दे रिलीज आईआईपी सो आईआईपी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन द नेचर एंड आईआईपी इज रिलीज एंड पब्लिशड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एवरी मंथ अगर करंट बेस ईयर की बात करें सो so इट्स 2011 12 एंड इट इज व्हाट इज यूज्ड इन द जीडीपी कैलकुलेशन आल्सो सो आईआईपी इज समथिंग दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी टर्म एंड आल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इकॉनमी अब बात करते हैं Our next article that is on the aspects of pending of cases in the Indian judiciary. Now, this pending of cases in the Indian judiciary mein, it has been a long lasting issue, and it's kind of a bookish example. many years, many candidates the same issues, and basic nuances hai, that has been static, but the solutions for this problem has been changing over and over. And that is why it is very important so that you understand all the nuances of this pendency of cases.

क्या we क्या है कल्प्रिज किस किस वजहों से क्यों वो बढ़ते जा रहे हैं क्यों हम उसे कम नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑल्सो क्या क्या हो सकते हैं सोल्यूशन सो ऑल दिस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नवंबर टू दिसरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक विद

ज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है और इंडिया किस किस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज है दट इज ए बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड कैनो अगेन ंट अफेयर इन क्वेश्चन को अटेप करें एट द सेम टाइम देर आर सामस जो कि आपको यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए ताकि आप प्रिलिम्स को क्रैक कर पाए एंड दैट क्वालिटी वुड ऑनली बी इनकलकेट इन टू यू बेस्ड ऑन यूर प्रैक्टिस सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के जो आंसर है अलॉन्ग विद्सप्लेन वु प्रोवाइड टू यॉम ऑफ पीडीएफ जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एज अ जो पीपीडी है जिसके ऊपर किया दैट ऑल्सोड In the video's description itself. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.